हेलो 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 केमिस्ट्री वाले भैया, आप सबों का हमारे आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है फेज डायग्राम ऑफ बिस्मथ कैडमियम सिस्टम। ये फेज इक्विलिब्रियम का 12th लेक्चर है। यदि आप इससे पहले का लेक्चर यानी 11th लेक्चर देखे हो, यानी कि लेड सिल्वर सिस्टम का फेज डायग्राम का स्टडी किए हो, तो फिर आपको इस लेक्चर में थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। लगभग सिमिलर है। बिस्मथ कैडमियम सिस्टम में हम लोग का ये भी टू कंपोनेंट सिस्टम है और इसमें कितने 4 पॉसिबल फेजेस एग्जिस्ट करते हैं या कंसिस्ट करते हैं। सॉलिड बिस्मथ, सॉलिड कैडमियम, लिक्विड ऑफ बोथ एंड वेपर। बट वेपर का अमाउंट बहुत ही कम होता है इस सिस्टम में, सो हम लोग क्या करते हैं, वेपर को निगलेक्ट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे कोई भी गैसियस फेज नहीं है, सिर्फ 2 ही फेज है आपके सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे रिड्यूस फेज रूल यूज करेंगे, यानी कि F'=C-P+1। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके फेज डायग्राम के बारे में। तो फेज डायग्राम का जो स्टडी करना है हम लोग को, उसमें क्या क्या चीज़ें जानना है आपको। जो वाई एक्सिस है इसमें तो टेम्परेचर हमेशा की तरह, इसमें हम लोग का कंपोजिशन होगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। ऐसे हम लोग प्रीवियस वीडियो सब में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, फिर भी एक बार आपको रिकॉल करा देता हूँ। जैसे हम लोग का बिस्मथ यहाँ पे 100% है, प्योर है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है ये 271 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जैसे ही इसका कंपोजिशन में चेंज लाएं का मतलब है कि हम बिस्मथ 90% ले लें या 95% ले लें, उसमें कैडमियम 5% ले लें, फिर उसका क्या हो जाएगा, कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। अब इसको आप क्या करोगे, हीट करोगे, मेल्ट करोगे, फिर कूल करोगे। अब जब कूल करोगे तो इस टेम्परेचर पे तो ये फ्रीज नहीं करेगा। ये क्या करेगा, कुछ इस टेम्परेचर पे, मतलब इससे कम टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। ठीक है, उसी तरह से फिर आप कंपोजिशन चेंज करोगे, फिर वो इस टेम्परेचर पे फ्रीज करने के बजाय इस टेम्परेचर पे फ्रीज करेगा। मतलब धीरे धीरे फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करने लगेगा और ग्राफ हम लोग का कुछ इस तरह से जाने लगेगा। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग कंपोजिशन, जो भी कंपोजिशन हो, बिस्मथ का 90 एंड कैडमियम का 10 मान लो, अब जब उसको हीट मेल्ट करते हो तो क्या होता है, फ्रीज करने का मतलब कि इसमें हम लोग का जो बिस्मथ होगा वो सॉलिडिफाई होगा। ठीक है, हम पहले ही बोल दिए हैं कि सॉलिडिफाई कौन होता है, जिसका परसेंटेज अधिक होता है, जिसका कंपोजिशन अधिक होता है। बिस्मथ का यहाँ पे 90 है, इसका 10 है, या बिस्मथ का 95 है, इसका 5 है, किसका, कैडमियम का। सो यहाँ पे बिस्मथ हम लोग का क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। इस तरह से बिस्मथ सॉलिडिफाई होगा। और ये धीरे धीरे करते हुए हम लोग एक ऐसा पॉइंट में आएंगे जब बिस्मथ के साथ साथ कैडमियम भी सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को बोला जाता है यूटेक्टिक पॉइंट, और जिस टेम्परेचर पे ये हम लोग का यूटेक्टिक पॉइंट मिला उसको बोला जाता है यूटेक्टिक टेम्परेचर, जो कि इस सिस्टम में 144 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अच्छा, ये जो हम लोग का कंपोजिशन है या हम लोग का ये जो पॉइंट मिला है, ये किस कंपोजिशन में मिला है, तो ये मिला है 60% बिस्मथ एंड 40% कैडमियम। यानी कि इस कंपोजिशन को, 60-40 कंपोजिशन को हम लोग बोलेंगे यूटेक्टिक मिक्सचर। ठीक है, उसी तरह से आप इधर भी समझ सकते हो कि प्योर कैडमियम का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 321 डिग्री सेल्सियस। जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज होगा ये ग्राफ हम लोग का कुछ इस तरह से फॉल करेगा, और हम लोग का यहाँ पे क्या मिलने वाला है, क्या फ्रीज करने वाला है, यहाँ पे कैडमियम का सॉलिड फ्रीज करने वाला है। ठीक है, क्या 100% करता है, नहीं करता है, कुछ अमाउंट ऑफ कैडमियम यहाँ पे सॉलिडिफाई होता है, बाकी हम लोग का बचा हुआ रहता है। क्या बचा हुआ रहता है, लिक्विड, बिस्मथ एंड कैडमियम, यानी दोनों का लिक्विड। तो ये जो OA कर्व है इसके अंडर हम लोग को सॉलिड बिस्मथ एंड लिक्विड बोथ का मिलने वाला है। इस कर्व के अंडर हमको क्या मिलने वाला है, सॉलिड कैडमियम एंड लिक्विड ऑफ बोथ। अगर इस हम लोग कर्व के बारे में बात करें कि OB कर्व में क्या होगा, तो दो चीज इक्विलिब्रियम में होगा, कैडमियम का सॉलिड इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड। और अगर इस कर्व के बारे में, इस कर्व के किसी पॉइंट के बारे में बात करें, तो आपको क्या मिलने वाला है, बिस्मथ सॉलिड इक्विलिब्रियम होगा किसके साथ, लिक्विड के साथ, बोथ। ठीक है,
इस पॉइंट के ऊपर आप जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, ओनली लिक्विड मिलेगा। इस पॉइंट के नीचे जाओगे तो आपको ओनली सॉलिड मिलेगा, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर इस वाले एरिया में आपका एक ही फेज है, लिक्विड फेज, ठीक है, दोनों मिला हुआ है, लिक्विड फेज है, एक ही फेज है। लेकिन इस पॉइंट के नीचे जाते हो तो आपको दो फेज मिलेगा, एक बिस्मथ का फेज मिलेगा, एक कैडमियम का फेज मिलेगा। दोनों का शेप अलग होगा, सो फेज अलग अलग होगा, ठीक। अच्छा, ये जो पॉइंट है यूटेक्टिक पॉइंट, ठीक है, इसके बारे में एक चीज और हम बता दें, इसको इजीली मेल्टिंग पॉइंट भी बोला जाता है। इजीली मेल्टिंग पॉइंट क्यों बोला जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये सॉलिड है, ठीक है, आप किसी परसेंटेज में ले रखे हो, कितना ले रखे हो, 60% और 40% के कंपोजिशन में ले रखे हो। अब जब आप इसको क्या करोगे, मेल्ट करने के लिए हीट करोगे, ठीक है, मेल्ट करने के लिए हीट करोगे, तो सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, वो इसी कंपोजिशन का होगा। मतलब इस पॉइंट में पहुंचने के बाद पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इस कंपोजिशन में 60-40 कंपोजिशन में हम लोग के पास कोई लिक्विड है, हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, फ्रीज कर रहे हैं। यहाँ फ्रीज करने का कोशिश कर रहे हैं, टेम्परेचर घटा रहे हैं, अभी तक फ्रीज किया नहीं है। इस पॉइंट में आए तो हम लोग का पूरा जितना कंपोजिशन लिए थे, पूरा का पूरा क्या कर गया, फ्रीज कर गया, सॉलिड बिस्मथ में एंड सॉलिड कैडमियम में। लेकिन इन ग्राफ्स में क्या होता था, हम लोग टेम्परेचर कम करते थे तो हम लोग का जिसका कंपोजिशन ज़्यादा होता था वो फ्रीज करता था। जैसे यहाँ पे बिस्मथ हम लोग का फ्रीज करता था, वो भी कुछ अमाउंट में, 100% नहीं, कुछ लिक्विड बच ही जाता था। और यहाँ अगर जाते थे तो यहाँ पे कैडमियम फ्रीज करता था और कुछ अमाउंट में लिक्विड बच जाता था, ठीक है। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। बाकी ये कर्व को क्या बोलते हैं, तो ओए कर्व को फ्रीजिंग पॉइंट कर्व बोला जाता है। ओए कर्व को फ्रीजिंग पॉइंट कर्व बोला जाता है, किसका, बिस्मथ का। ओबी कर्व को बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट कर्व ऑफ कैडमियम, ठीक। नेक्स्ट हम लोग स्टडी कर लेंगे कर्व के बारे में, ठीक है। अब स्टडी में क्या करेंगे हम लोग कि जैसे ओए कर्व, ये फ्रीजिंग पॉइंट कर्व है बिस्मथ का, इसमें कौन कौन से फेजेस एग्जिस्ट करते हैं या कौन कौन से फेजेस इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो बिस्मथ का सॉलिड एंड बोथ लिक्विड, ठीक है, दोनों का लिक्विड इक्विलिब्रियम में होता है। सो यहाँ पे दो फेज हो गया, एक सॉलिड फेज एक लिक्विड फेज, यानी कि हम लोग जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे एफ डैश इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन, तो आपको वैल्यू क्या मिलने वाला है, वन। टू कंपोनेंट सिस्टम है, सो सी के स्थान पे दो यानी कि टू, और पी के स्थान पे आप क्या लिखोगे, टू प्लस वन, तो वन आया। ये क्या हो गया, यूनिवेरिएंट। यूनिवेरिएंट का मतलब हमेशा से हम लोग जानते हैं कि हम लोग को केवल और केवल एक चीज बताना होगा, ठीक है, कोई एक वेरिएबल बताना होगा, दूसरा हम अपने आप ही पता कर लेंगे, ठीक। ओबी कर्व के बारे में सिमिलर बातें हैं, इसमें हम लोग का कैडमियम सॉलिड इक्विलिब्रियम विथ बिस्मथ एंड कैडमियम लिक्विड, ठीक। तो एफ डैश इक्वल टू यहाँ पे भी वन मिलने वाला है, यूनिवेरिएंट ये भी होगा। अब बात कर लेते हैं पॉइंट ओ के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छा से पढ़ना, पॉइंट ओ के बारे में सिमिलर है फिर भी। द पॉइंट ओ इज नोन एज यूटेक्टिक पॉइंट ऑफ द सिस्टम, दिस इज द पॉइंट वेयर टू कर्व्स ओ ए एंड ओ बी मीट, यहाँ पे दो कर्व ओ ए एंड ओ बी मीट करता है। एट दिस पॉइंट सॉलिड बिस्मथ एंड सॉलिड कैडमियम आर इन इक्विलिब्रियम विथ फ्यूज्ड मास, यानी कि लिक्विड ऑफ बोथ। इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे हम लोग का क्या होता है, तीन चीज इक्विलिब्रियम में होता है, क्या है, सॉलिड बिस्मथ, सॉलिड कैडमियम एंड ये लिक्विड, ठीक है, यानी कि तीन फेज यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, दैट इज थ्री फेजेस आर प्रेजेंट। सो जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो सी के स्थान पे टू रखोगे, टू कंपोनेंट सिस्टम, पी के स्थान पे थ्री रखना होगा, थ्री फेजेस प्लस वन, सो वैल्यू क्या मिलने वाला आपको, जीरो। ये क्या हो गया, नॉन वेरिएंट और इनवेरिएंट, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, द पॉइंट ओ रिप्रेजेंट द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। पॉइंट ओ क्या रिप्रेजेंट करता है, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर बिलो विच अ लिक्विड फेज कैन नॉट एग्जिस्ट, जिसके नीचे, उस पॉइंट के नीचे लिक्विड फेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओनली सॉलिड फेज एग्जिस्ट करेगा। ये बातें यहाँ पे लिखी हुई है, सच अ लिक्विड मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट बिस्मथ एंड कैडमियम विच हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर टू ऑल अदर लिक्विड मिक्सचर इज कॉल्ड यूटेक्टिक मिक्सचर। वो जो कंपोजिशन है ना बिस्मथ एंड कैडमियम का, ठीक है, उस कंपोजिशन को बोला जाता है यूटेक्टिक मिक्सचर। इन द बिस्मथ कैडमियम सिस्टम एलोए कंटेनिंग 60% बिस्मथ एंड 40% कैडमियम मेल्स और फ्रीज एट 144 डिग्री सेल्सियस, ठीक। दिस टेम्परेचर इज नोन एज यूटेक्टिक टेम्परेचर। बस
इतना ही है। आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो हमेशा की तरह प्लीज कमेंट करना और लाइक शेयर सब्सक्राइब पता नहीं आपको जो इच्छा करना, सब्सक्राइब कर दो तो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। थैंक यू।